अच्छा जी, इमेज रेजोल्यूशन, लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक कवर किया था और उससे भी लास्ट क्लास में हमने ये बात डिस्कस की थी कि इमेज हमें उतने ही साइज की चाहिए होती है जितने साइज की हमें स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाना है, और उसका रेजोल्यूशन भी करेक्ट होना चाहिए। अगर वो 72 पिक्सल से ज़्यादा उसका रेजोल्यूशन है तो भी वो पिक्चर हमारे किसी काम की नहीं है। हम किसी काम की बनाने के लिए क्या करना होगा, उसके रेजोल्यूशन को 72 पे सेट करना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है आप लोगों की तरफ से जो मुझे आया कि सर अगर मेरे पास कोई इमेज है वो मैंने अनस्प्लैश से उठाई है या कहीं से भी उठाई है, तो उसमें उसको कैसे मैं ये चेक करूँगा कि आया कि ये करेक्ट रेजोल्यूशन है या नहीं है, और अगर वो रेजोल्यूशन ज़्यादा या कम है तो उसको मैं कैसे सही रेजोल्यूशन तक लेकर आऊँगा। तो मिसाल के तौर पे ये एक मेरे पास फ़ोटो है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास और फिर हम चेक करते हैं कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो क्या है। ठीक है जी, ये फ़ोटो मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है डाउनलोड्स के फोल्डर में, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो रेजोल्यूशन इसका जो है वो 72 यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो इत्तफाक से ये फ़ोटो 72 रेजोल्यूशन की है। अच्छा, उसके अलावा इसका जो साइज़ है वो बड़ा है। अब मेरे पास जो स्क्रीन है क्या कहते हैं मेरे लैपटॉप की, उसका जो साइज़ है, जो मैक्सिमम साइज़ है, वो अगर हम यहाँ से देखेंगे आके तो वो मुझे, हाँ अच्छा, लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो दूसरी स्क्रीन्स पे मेरा जो सॉफ्टवेयर चलने लगा है उसकी क्या रेजोल्यूशन है, ये तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो मेरे पास जो मेरी स्क्रीन है ना वो 1440 है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो पूरी विजिबल ब्राउज़र की स्क्रीन है उसकी जो विड्थ है वो 1440 है। तो असूलन तो अभी इस डेटा को देखते हुए मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे इसको 1440 विड्थ अगर मैं करता हूँ और मैं 1440 ही इमेज की विड्थ कर दूँ तो मेरी फुल स्क्रीन पर वो नज़र आ जाएगी। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमें डिफरेंट डिवाइसेस को भी जहन में रखना होता है। अच्छा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये देख रहे हो टॉगल डिवाइस टूल बार, ये असल में गूगल क्रोम का एक डेवलपमेंट टूल है। इसके अंदर जो है ना हमारे पास देखो डिफरेंट, असल में ये टूल बनाया गया डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे टेस्ट करने के लिए आपकी ऐप्स को। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप इधर क्लिक करेंगे ना तो स्मॉल मोबाइल पर आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी असल में वो आपको पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे मोबाइल लार्ज, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उस पर, उसके अलावा इसमें डिफरेंट डिवाइसेस का भी आपके पास ऑप्शन है, आईफोन एसई सही है या कोई छोटा फ़ोन नहीं इसके अंदर आईफोन का, जैसे आईपैड है। ठीक है, सम कुछ डिवाइसेस में ये फ्रेम के साथ आपको दिखा रहा होता है, फ्रेम भी दिखा रहा होता है डिवाइस का, कुछ में आपको फ्रेम नहीं दिखा रहा होता। ठीक है, ये डिफरेंट डिवाइसेस भी यहाँ पर हैं। वेल, हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्सिव पे करके उसको और डिफरेंट डिवाइसेस पे जाके चेक करेंगे। तो टैबलेट का जो ये साइज़ बता रहा है ना कि भाई यहाँ पे अगर मैं हाथ रखता हूँ तो 768 पिक्सल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है, मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, इस जगह पे देखो गौर करोगे ना, देखो यहाँ पे मैं हाथ रखता हूँ 768 पिक्सल है। ठीक है, यहाँ पे भी हाथ रखूँगा तो भी वही है। अब देखो इसको मैं बड़ा करूँगा ना यहाँ से, इसको मैं अगर बड़ा करूँगा तो वो देखो वो बड़ा होता रहेगा साथ से। ठीक है, 768 पिक्सल है। अच्छा, 768 पिक्सल के बाद हमारे पास जो अगला जो है वो 425 पिक्सल है, दैट इज़ लार्ज मोबाइल। अच्छा, अगर मैं इससे और आगे जाता हूँ तो मेरे पास फिर यहाँ पे क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप की जो विड्थ यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है वो 1024 बताई हुई है, 1024 पिक्सल लैपटॉप की विड्थ इन्होंने बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद मैं और आगे जाऊंगा तो मेरे पास क्या है, लार्ज लैपटॉप है। लार्ज लैपटॉप की जो विड्थ बताई हुई है इन्होंने वो 1440 बताई हुई है कि भाई 1440 होगा लार्ज लैपटॉप पे आपकी डिवाइस में ऐसे दिखेगा ये। अच्छा, तो अब हम, ये तो मसला हो गया। अच्छा, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा जब इसी जगह पर, ओहो क्या हो, कैसे होता है, खींच के इसको बड़ा करूँगा मैं, क्या इसमें आगे और भी साइज़ होते हैं असल में। अच्छा, मैंने जूम आउट किया है तो ये मज़ीद मुझे फिर दिखा रहा है। 1440 के बाद ना ये जो लार्ज लैपटॉप है इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, 4K स्क्रीन दिख रही है।
ठीक है, 4K जो होती है वो आमतौर पर टीवी वगैरह जो होते हैं वो 4K रेजोल्यूशन में होते हैं. आजकल जो है वो मॉनिटर्स भी कुछ 4K रेजोल्यूशन. अच्छा, 4K रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? 4K रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? कि उसमें 4K मिलियन पिक्सल है, ये मतलब है. सही. मिसाल के तौर पे जो मेरी स्क्रीन, जो फिज़िकल मेरी स्क्रीन है वो 2K है, क्योंकि मेरे फिज़िकल जो पिक्सल्स अवेलेबल है मेरे हार्डवेयर पे, वो लास्ट टाइम हमने देखा था, अगर मैं इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन में जाके देखता हूँ तो ऐसे चौड़ाई में, विड्थ में 2500 पिक्सल अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो उसको सिमुलेट करता है 1440 पे, क्योंकि रेजोल्यूशन मैंने थोड़ी कम सेट की हुई है. ठीक है, जब अगर मैं फुल 2500 रेजोल्यूशन सेट करता हूँ ना, चीज़ें बहुत बारीक हो जाती है, मुझे फिर नज़र नहीं आता. तो डिफ़ॉल्ट भी वो 1440 है और मैंने उसी पे रखा हुआ डिफ़ॉल्ट पे. मैं चाहूँ तो 2500 को कंज्यूम कर सकता हूँ, 2500 जो है. तो ये 2500 जो है ना विड्थ, दैट इज़ 2.5K इट मीन्स. ठीक है, जब ये 3000 हो जाएगा फिर तो 3K, जब ये 4000 हो जाएगा तो 4K. लेकिन 4K इज़ अ टर्म एक्चुअली, मतलब 3.5K एक टर्म नहीं है, ऐसा समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं. तो चौड़ाई में अगर 4000 पिक्सल्स हैं तो दैट इज़ 4K. ठीक है, और उसका एस्पेक्ट रेशो को के हिसाब से जो भी लंबाई बनेगी वो, आमतौर पे जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है वो 16:9 होती है गालबन. तो 16:9 में अभी चौड़ाई 4000 है तो लंबाई आपको ऑटोमेटिक पता चल जाती है कि मतलब 16:9 में 16:9 चौड़ाई है और 9:9 जो है वो लंबाई है. तो इसको आप टर्न डाउन करके डिवाइड करेंगे, आप सब लोगों को बेसिक मैथ्स तो आती है, तो उसके हिसाब से जो भी लंबाई बनेगी वो लंबाई होगी उसकी. तो अच्छा, आमतौर पे फिर यही होता है कि अगर हार्डवेयर पे ना 4K रेजोल्यूशन है तो सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन थोड़ी कम होती है उसकी, आमतौर पे ऐसा होता है. ठीक है, तो एक्चुअल में जो 4K ये बात हो रही है, ये सॉफ्टवेयर सिमुलेशन पे 4K होना चाहिए पूरा. ठीक है, मैं मेरे लैपटॉप पे मैं मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सिमुलेशन 2500 से ज़्यादा नहीं ला सकता. ठीक है, इसी तरह जो टीवी है, अगर उन्होंने 4000 हार्डवेयर में मौजूद है तो उनका सॉफ्टवेयर भी सिमुलेट कर पाए उस पूरे 4K को. तो दैट इज़ जो स्क्रीन क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को इन्होंने क्या किया हुआ है, जनरलाइज किया हुआ. अच्छा, कहीं ना कहीं अब जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी इसको देखती हैं, वो भी इन स्टैंडर्ड्स पे अब आ गई है. मिसाल के तौर पे जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन ना पहले बिल्कुल ही आड़े तिरछे कोई भी स्क्रीन साइज दे देते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. लेकिन अब आप देखेंगे जो एंड्रॉयड के फ़ोन्स भी हैं, जो चाइनीज़ कंपनी भी बना रही है आमतौर पर, तो उसमें 16:9 का रेशो फॉलो करते हैं वो. ठीक है, तो 16:9 रेशो का फॉलो करने का मतलब है कि फिर सॉफ्टवेयर पर उसको इन स्क्रीन साइज़ को फॉलो किया जा सकता है उस पर. तो इसी तरह जो आईफोन के आप जितने भी मॉडल्स देखेंगे उसमें वो किसी ना किसी रेशो में वो फॉल करते हैं, वो ऐसे रैंडम नहीं है बिल्कुल. ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के यहाँ पे 3 साइज़ेस हैं, मोबाइल स्मॉल, मोबाइल मीडियम और मोबाइल लार्ज. तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं वो सारे फ़ोन ना फॉल करते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम दुनिया की तमाम डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं दे सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, हम इन जनरलाइज स्क्रीन साइज़ेस में से किसी एक को हम पकड़ लेंगे. अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी 1440 का स्क्रीन साइज़ है, मैंने इमेज का साइज़ रखा 1440 और वो 1440 में ही डिस्प्ले हो गया, बिल्कुल सही है ये. अब क्वेश्चन ये है कि जब यही वेबसाइट जब 500 या 600 पिक्सल वाले पे खुलेगी तो वो इमेज स्क्रीन से बाहर जा रही होगी और स्क्रीन पे स्क्रॉल आ रहा होगा, अब इसका क्या हाल है? मतलब एक चीज़ तो समझ आ गई कि भाई इमेज हम 1440 पर बनाएंगे, 1440 पर दिखेगा वो, दैट्स इट. सबको सपोर्टेबल तो मैं कर ही नहीं सकता ना, ये तो मैंने बता दिया. लेकिन फिर भी अगर सबको सपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब एक इमेज मैंने 1440 चौड़ाई की बनाई है, अब मैं उसको CSS के जरिए छोटा बड़ा तो कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अगर बिल्कुल ही छोटे मोबाइल फ़ोन पर खुला है मेरा जो वेबसाइट है, यानी कौन से छोटे पे, मतलब मोबाइल मीडियम पे खुला है, 375 वाली स्क्रीन साइज़ पे खुला है, तो अब इमेज तो पूरी डाउनलोड हो रही है 1440 वाली, उसका साइज़ भी ज़ाहिर है बड़ा होगा 1440 के हिसाब से होगा, स्लो डाउनलोड होगी, स्लो लोड होगा मेरा पेज. तो इसका क्या हल है, कोई हल है इसका?
उसकी विड्थ जो है आप कह रहे हैं परसेंटेज के, नहीं तो कहानी तो वहीं आ गई ना कि इमेज लोड पूरी होगी जितनी बड़ी वो है, दिख रही छोटी स्क्रीन पे वो तो मैं इफ एल्स लगा के कुछ भी करके मैं छोटा कर लूंगा उसको। इसका कोई और भी हल है, कोई ऐसा जुगाड़, कोई ऐसा हल को जहन में आ रहा हो? असल में रिस्पॉन्सिव तो बनानी पड़ेगी, वो तो सही है। मतलब किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि वो वेबसाइट मोबाइल पे भी सही खुले और डेस्कटॉप पे भी सही खुले। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँगा कि वो इमेज मोबाइल पे सही खुले? मतलब सही खुलने का सेंस ये है कि मैं उसी बड़ी पिक्चर को क्या छोटा करके दिखाऊंगा तो ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, या मैं उसके लिए छोटी इमेज कोई अलग से बना के रखूँगा, क्या ये अप्रोप्रिएट है? छोटा करके दिखाऊंगा तो वही हो जाएगी बात कि वो लोड बड़ी इमेज होगी, दिख रही छोटी होगी, तो वो साइज का ओवरहेड रहेगा। एक मीडिया क्वेरी के जरिए, बिल्कुल सही पहुंचे हो। अच्छा देखो, अब बहुत गौर से समझने की एक बात है जो मैं बताने लगा हूँ। एक ज़माने में ना ये सब लोग करते थे काम, कि एक ही वेबसाइट बनाते थे और उसको वो खोलने की कोशिश करते थे हर तरह के डिवाइस पर, सही है, उसको खोलने की कोशिश करते थे। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकलता था आखिर में, कि या तो कुछ लोग ये करते थे बड़ी इमेज ही डाउनलोड हो रही है और उसको छोटा करके दिखा रहे हैं तो वो साइज़ का ओवरहेड है कि देर से लोड हो रही है। कुछ लोग ये करते थे कि दो इमेजेस बना लेते थे या तीन या चार अलग अलग स्क्रीन साइज़ के लिए अलग अलग इमेज, और उसको क्या करते थे फ्रंट एंड से लॉजिक लगा देते थे कि स्क्रीन का साइज़ पहले चेक करो और फिर उस इमेज को उठा के लाओ, जो कि एक एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, काफ़ी एक्स्ट्रा काम है ये तो। अच्छा, इसमें फिर होता ही था कि इमेज को तीन चार साइजेस में करके पहले से ही रख लिया जाता था और फिर वो लोड होती थी तो अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग लोड होती थी। लेकिन ये आप एक पेज पे, दो पेज पे करेंगे, ये हर जगह पे आपको करना पड़ता है, सही है। कहीं ना कहीं पे आप बोलेंगे कि नहीं यार इसको फिर एक पे ही लगाओ, फिर आगे अपडेट करना, फिर सामने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह से ये काम हुआ है। तो कुछ लोग ये काम करते थे, तो ये दोनों ही फेलियर का सबब बना ना अल्टीमेटली। इन दोनों को ऐसा माना गया कि यार ये दोनों ही काम नहीं करेंगे। अब आप इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि आप जो वेबसाइट बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे चलती है? डेस्कटॉप पे चलती है, दैट्स इट। डेस्कटॉप के अलावा वो वेबसाइट कहीं पर भी नहीं खुलेगी। अच्छा, डेस्कटॉप मतलब कौन सा? एक ये लैपटॉप लार्ज और एक ये लैपटॉप मीडियम या नॉर्मल लैपटॉप, जो भी कह रहे हैं आप उसको। इन दोनों स्क्रीन साइज को टारगेट किया जाता है वेबसाइट पे आमतौर पर। अच्छा, इसके नीचे का जो स्क्रीन साइज है ना, टैबलेट। अब टैबलेट पे क्या होता है, एक बिल्कुल ही अलग वेबसाइट तैयार की जाती है फ्रॉम स्क्रैच, जो कि टैबलेट पे चलती है। अच्छा, वो वेबसाइट किस किस पे चलती है? वो लैपटॉप पे नहीं खुलेगी। लैपटॉप पे आप खोलेंगे वो डेस्कटॉप वाले पे ले जाएगा आपको। तो दो अलग अलग आपने देखा होगा m.facebook.com, है ना, मोबाइल फ़ोन पे खोलते हो तो m.facebook पे ले चला जाता है खुद ही, या तो अगर मोबाइल ऐप इंस्टॉल है तो फिर ब्राउज़र में खोलना ही नहीं देता वो, जैसे ही ब्राउज़र में लिखते हो फट से ऐप खोल देता है, ठीक है, ऐप खोलने की कोशिश करता है वो। अच्छा, फिर m.facebook जितनी देर चलाते रहते हैं ना, ऊपर एक पट्टी आ रही होती है कि भाई ये प्लीज़ इंस्टॉल द ऐप, प्लीज़ इंस्टॉल द ऐप, और जानबूझ के वो आपको बार बार जो है ना रेकमेंड करते हैं, बार बार आपको लिंक ले जाता है प्ले स्टोर की तरफ कि भाई ये करो इंस्टॉल, ठीक है। तो उनका जो टैबलेट पे और मोबाइल पे, उनकी पहली कोशिश तो ये होती है कि इन दोनों डिवाइसेस पे ना वेबसाइट खोले ही नहीं बंदा। वेबसाइट पर लेकर जब जाए ना उसको, तो ज़बरदस्ती बार बार उसको बोलो कि नहीं यार ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करो। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक सब आपको ये करते हैं ना, सब सारे ये कर रहे होते हैं हर वक्त। तो अच्छा, ऐप में लेके वो क्यों जाना चाहते हैं? वो उसके अपने ढके छुपे मकासद हैं उनके। मिसाल के तौर पर फेसबुक का मकसद ये है कि डेटा कलेक्ट कर सके वो, ठीक है। फेसबुक का मकसद ये है कि जब आप ऐप में जाते हैं तो आपके बहुत सारे बिहेवियर को वो मॉनिटर कर पाता है, जो कि वेबसाइट में नहीं कर पाता वो, ठीक है। उसको मोबाइल के हार्डवेयर का बहुत सारी चीज़ों का ऐसा एक्सेस मिल जाता है जो वेबसाइट को उन चीज़ों का एक्सेस नहीं होता है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि यार आप ऐप के ऊपर मूव कर दें, ठीक है। फिर मोबाइल ऐप जो होती है उसका एक बैकग्राउंड सर्विस वर्कर होता है, जो कि वेबसाइट का नहीं होता है। तो वो बैकग्राउंड सर्विस वर्कर ऐप बंद होने के बाद भी
चल रहा होता है और वो कुछ छोटे मोटे काम वहाँ पे भी करवा रहे होते हैं, तो इन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए वो उनकी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि पहले तो आपसे ऐप इंस्टॉल करवा लें और फिर आपको ऐप के अंदर लेकर चला जाए। तो जिक्र ये हो रहा था कि वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए बनती है, डेस्कटॉप के लिए बनती है, और डेस्कटॉप पे ये दो साइजेज हैं 1440 और 1024, ये दो साइजेज हैं। तो हमारा मसला ये दोनों साइज़ों में रह गया। अच्छा, इसके नीचे की जो साइज़ है, जाहिर है गूगल क्रोम तो टैबलेट में भी है, गूगल क्रोम तो मोबाइल में भी है, तो उसमें जब हम खोलते हैं तो उसके लिए बिल्कुल एक अलग डोमेन होता है जो कि एम डॉट से स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो टैबलेट और मोबाइल की वो एक जैसी स्क्रीन होती है। अच्छा, इसको हम ज़रा एक्सपीरियंस करके अगर देखना चाहें यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, अभी इस वक्त टैबलेट की स्क्रीन पर सिमुलेशन की हुई है मैंने, ठीक है, अभी कोई भी रिक्वेस्ट मैं करूँगा तो जो जहाँ रिक्वेस्ट पहुँचेगी ना उसको लगेगा कि टैबलेट से रिक्वेस्ट आई है, राइट, तो वो टैबलेट वाली वेबसाइट लाकर देगा। तो यहाँ पर मैं खोलता हूँ facebook.com/MNZAMAM मलिक, ठीक है, इसने बिल्कुल एक डिफरेंट वेबसाइट खोली है। फेसबुक आमतौर पर ऐसा नहीं खुलता है, ठीक है, ये इसने बिल्कुल एक अलग वेबसाइट खोली है जो कि ऑटोमेटिकली किस पे स्टार्ट होती है, एम डॉट से, ठीक है। अच्छा, ये हो कैसे रहा है? अच्छा, नोटिफिकेशन के लिए भी पूछ रहा है, मैंने करा ब्लॉक। ये काम होता इस तरीके से है कि facebook.com जब मैंने लिखा था ब्राउज़र में तो पहले facebook.com ही लोड हुआ था, लेकिन वो लोड होते ही ना उसमें छोटी सी स्क्रिप्ट लगी हुई है जो फ़ौरन चेक करती है कि स्क्रीन का साइज़ क्या है। अगर तो स्क्रीन का साइज़ कम है तो वो फ़ौरन क्या करती है, बोलती है रीडायरेक्ट और एम डॉट फेसबुक। अच्छा, आपको आम आंखों से ये पता नहीं चलता, आपको आम आंखों से लगता है कि जब मैंने खोला ना तो वो ठक करके एम डॉट पे ऑटोमेटिक चला गया, ऑटोमेटिक नहीं होता, वो खुला पहले facebook.com ही था, लेकिन उसके खुलते ही जो पहले ना स्क्रिप्ट एक लोड होती है छोटी सी, बहुत छोटी सी, वो चेक करती है स्क्रीन का साइज़ क्या है, अगर स्क्रीन का साइज़ कम है तो फ़ौरन रिडायरेक्ट कर देती है और हम एम डॉट फेसबुक पे लैंड कर जाते हैं। अच्छा, इसी तरह एम डॉट फेसबुक ना जब आप खोलते हो और अगर आपकी स्क्रीन का साइज़ बड़ा है तो भी वो आपको रिडायरेक्ट कर देता है www वाले फेसबुक पर। सही है, तो ये स्क्रिप्ट के ज़रिए हो रहा होता है, ऑटोमेटिक ये नहीं हो रहा है, एक स्क्रिप्ट लगी हुई है जो ये काम बाकायदा कर रही है, परफॉर्म कर रही है। अच्छा, तो ये टैबलेट के ऊपर ये खुला है। अच्छा, अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, स्क्रीन के साइज़ को मज़ीद छोटा कर दूंगा तो ये डोमेन शिफ्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल मीडियम पर चला जाता हूँ, अब मोबाइल मीडियम पर जाने के बाद मैं यही अगर URL दोबारा लिखूँ ना facebook.com/MNZAMAM, तो इसने वही डोमेन खोला है और उसी के अंदर इसको ये छोटा बड़ा करके दिखा रहा है। अच्छा, हाँ, अब अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके चला जाऊँगा ना, लैपटॉप लार्ज पे, और मैं यही वाला URL लिखूँगा facebook.com/MNZAMAM, तो आइडियली इसको डेस्कटॉप पे मूव कर जाना चाहिए फौरन। अरे ये क्या बकवास है, facebook.com/MNZAMAM मलिक नहीं जा रहा है, एक मिनट, हम टैब को बंद कर देते हैं ना, नए टैब में चलते हैं, हो सकता है इस टैब में इसने कुछ केशे वेशे कर लिया हो। अच्छा, तो हम दोबारा से यहाँ पे ओपन करते हैं और दोबारा से अब हम किस पे जा रहे हैं, लैपटॉप लार्ज पर मौजूद हैं, facebook.com/MNZAMAM मलिक। तो अभी इसने स्टक हो गया ये, कपड़े बिक रहे हैं भाई। अच्छा, तो हम इसका ऐप हटा देते हैं, हम इसका एम अगर हटा दें तो भाई ये एम पे ही स्टक हो गया इसका हम एम टी कैसे करें अगर। अच्छा, यहाँ से होगा ना डिसेबल कैसे, डिसेबल ही है कैसे भाई मेरे। वेल, तो पॉइंट ये है कि भाई जो हमारा पॉइंट था वो हम समझ में आ गया आप लोगों को, कि अब हमारे पास जो लेटेस्ट लोगों की टेक्निक है, जो कंपनीज़ जो अभी इस वक्त टेक्निक इस्तेमाल कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि एक वेबसाइट जो है लैपटॉप मीडियम और लैपटॉप लार्ज को संभालती है, और एक दूसरा डोमेन होता है जो टैबलेट और उससे नीचे की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको वो संभाल रही होती है। तो अच्छा, अभी भी हमारे पास दो स्क्रीन साइजेस हैं, राइट, अभी भी हमारे पास क्या है, दो स्क्रीन साइजेस हैं, एक लैपटॉप लार्ज और लैपटॉप मीडियम। अच्छा, तो आमतौर पर कुछ वेबसाइट वाले बंदे जो है वो क्या करते हैं कि इन दोनों का ना एक दरमियानी एक विर्थ निकाल लेते हैं और उसके ऊपर वेबसाइट को चला रहे होते हैं, ठीक है, और
कुछ लोग क्या करते हैं कि जो छोटा वाला साइज है उसको टारगेट करते हैं, और जब बड़े वाला लैपटॉप पे खुलता है तो साइड में थोड़ा थोड़ा ऑफसेट आ रहा होता है. अगर हम वैसे facebook.com पे जाकर ना उनका ये हम एक्सपीरियंस करें कि उन्होंने किसको टारगेट किया हुआ है, तो उन्होंने असल में छोटे वाले को टारगेट किया हुआ है. ये देख रहे हो दोनों साइड पे स्पेस आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है. तो इन्होंने क्या किया हुआ, लैपटॉप जो 1024 वाला था ना, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको और इंस्पेक्ट करके इसके स्क्रीन साइज़ को मैं कहाँ पे लेकर आऊँ, लैपटॉप 1024 पे लाऊँ, तो देखो ये साइज अच्छा अभी भी थोड़ा सा है. इन्होंने 960 पे बनाया हुआ है गालबन. इन्होंने 960 पे रखा हुआ है, उससे भी शायद थोड़ा कम रखा हुआ है. थोड़ी देर से इसको समझ आया कि क्या हुआ. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कुछ अच्छा, अगर मैं इसी वेबसाइट को खोल के अगर मैं छोटा करूँ ना, मज़ीद छोटा करूँ, तो किस एक पॉइंट पे आके ना इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है. आपने नोट किया होगा, ठीक है. अच्छा, ये अभी हम कहाँ पर मौजूद है, 1300 ऊपर छोटा सा पिक्सल लिखा हुआ नज़र आ रहा है. किसी एक पॉइंट पे आके ना अब इसकी स्टाइलिंग आप नोट कीजिएगा चेंज हो जाती है. अभी हम 1200 तक आ चुके हैं. हाँ, जैसे ही देखो हम 1200 से नीचे आते हैं ना, 1260 पे सम 1260 पे इसने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ. हाँ, 1259 जैसे ही होता है ये सेंटर में लेकर आ जाता है उसको. तो इन्होंने काइंड ऑफ इस चीज़ को इस्तेमाल किया हुआ है कि अगर 1260 से कम की स्क्रीन हो तो एक डिफरेंट स्टाइलिंग है. तो पॉइंट मेरा बताना ये चाह रहा था मैं कि आप ये कर सकते हैं कि दोनों के दरमियानी एक साइज़ निकाल लें या छोटे वाले साइज़ पर निकाल लें. अच्छा, और अभी हम CSS शुरू करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, तो उसमें एक चीज़ होती है मीडिया क्वेरी. मीडिया क्वेरी क्या चीज़ होती है, एक कंडीशन होती है. अब कंडीशन क्या होती है, जो भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो कंडीशनल हो सकता है. एक दफ़ा में कुछ और स्टाइल अप्लाई होगा, जैसे ही सर्टेन सिनेरियो चेंज होगा तो वो स्टाइल चेंज हो जाएगा. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर जैसे अच्छा यही एक बहुत समझ लें आपके, जैसे शुरू में जिक्र किया था मैंने कि HTML जब बनी थी तो उस वक्त CSS अलग से नहीं थी. HTML के टैग्स में ही एट्रीब्यूट लगा के सारा स्टाइलिंग का काम, कलर बैकग्राउंड, कलर विड्थ हाइट सब कुछ चेंज हो जाता, और जो कि अभी भी उसका कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है कि इमेज के अंदर IMG में विड्थ और हाइट आप एट्रीब्यूट के जरिए दे सकते हैं. लेकिन आइडियली ये काम हमें किससे करना है, हमें CSS से ये काम करना है. ठीक है, अच्छा इमेज में विड्थ और हाइट को अभी तक क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको पता है, ताकि जब HTML लोड हो तो वो बॉक्स साथ में रहे. अच्छा, अगर ये वाली विड्थ हाइट मैं CSS में दूंगा ना तो स्टिल ये मसला रहेगा कि वो लोड होगा तो चपक के लोड होगा. उसका रीज़न क्या है कि HTML अलग से लोड होता है, CSS अलग से लोड होती है. ठीक है, तो CSS की फाइल भी अच्छी खासी बड़ी होती है, तो इमेज लोड हो रही है अलग से या CSS लोड हो रही है बात एक ही है. तो इमेज में तो हमेशा हम विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट पास करते हैं फॉर दिस रीज़न. लेकिन तमाम जितनी भी स्टाइलिंग है ना वो हम किसके ज़रिए करते हैं, CSS के ज़रिए. और CSS के ज़रिए स्टाइलिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि एक तो वो स्टाइलिंग रीयूजेबल होती है. ठीक है, एक बार किसी चीज़ पे आपने स्टाइलिंग, जैसे गैलरी में आप 50 इमेजेस दिख रही हैं, अब 50 इमेजेस पे आप अलग अलग स्टाइलिंग नहीं करते, आप एक दफ़ा स्टाइलिंग कर देते हैं और आप बोलते हैं इसको इस इमेज पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो, ऐसे बोलते हैं और क्लास के ज़रिए ये चीज़ हो रही होती है. अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम उस स्टाइल को कंडीशनल बना सकते हैं. मैंने कहा भाई इस इमेज पे जो ये स्टाइलिंग लगी हुई है, विड्थ हाइट जो भी XYZ लगा हुआ है उस पर, मैं कहता हूँ कि ये उस वक्त लगानी है ना जब स्क्रीन का साइज 1440 हो. ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि स्क्रीन का साइज अब अगर 1260 से कम हो जाए तो इस पर कुछ और स्टाइलिंग लगा सकता हूँ. ठीक है, तो ये कंडीशन मेरे पास मीडिया क्वेरी की सूरत में मौजूद होती है. तो मीडिया क्वेरी को यूज़ करते हुए मैं यानी लैपटॉप की जो वेरिएशंस हैं, दो तीन जितनी भी वेरिएशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, उनको मैं संभाल सकता हूँ.
ठीक है, तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, दो तीन स्टैंडर्ड्स हैं अभी वो HTML की जो ये वाली बुक है ना हमारी, इसका बिल्कुल जो लास्ट चैप्टर आएगा ना CSS वगैरह सब ख़त्म होने के बाद, तो उस वहाँ पे ये जिक्र करेगा कि आपको ना अपने जो HTML का जो स्क्रीन साइज़ है वो 960 का एक स्टैंडर्ड है, और ये दो तीन स्टैंडर्ड है वो बुक के ना लास्ट में वो जिक्र करेगा कि वो कौन कौन से स्टैंडर्ड है। वेल, अभी हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम 1440 को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमने एक इमेज डाउनलोड की थी, ये इमेज जो है वो वर्टिकल में है। अच्छा, और इस इमेज को मैं किस में खोलने लगा हूँ, फोटोशॉप में भी खोल सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको खोल रहा हूँ photopea.com। ठीक है, photopea वैसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हम इसको photopea बोलते हैं। photopea साउंड करता है यूटोपिया टाइप ना, थोड़ा यूटोपिया से मैच करता है, तो शायद photopea शायद मेरा ख्याल है ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप जो है, फोटोशॉप इज़ अ बिग सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है, फिर वो पेड भी है, तो ये फोटोशॉप का नेक्स्ट स्टेप है ये एक्चुअली। ठीक है, कि पूरा का पूरा फोटोशॉप आपके पास ऑनलाइन यही खुल जाता है, एक क्लिक पे खुल जाता है ये, और इसमें गूगल ड्राइव से डायरेक्ट फाइल ओपन होती है, उसमें एडिटिंग होती है सारी, ऑलमोस्ट जो फोटोशॉप के जो बेसिक जितने भी फीचर्स हैं ना, क्रॉप करना और थोड़े बहुत सिलेक्शन वलेक्शन ये वो बैकग्राउंड रिमूव करना, वो सारे काम इसके अंदर उस तरह हो रहे होते हैं, तो ये फोटोशॉप का यूटोपिया है काइंड ऑफ। अच्छा, तो इसमें मैं वो वाली फ़ोटो ना ड्रैग करके लाता हूँ, और ड्रैग करके ला के यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ड्रॉप करने के बाद ना, इसमें मुझे ज़ाहिर है कोई एडिटिंग तो करनी नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको क्रॉप कर सकता हूँ, जैसा कि हमने जिक्र किया था बुक में कि क्रॉप करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्रॉप करने से सम टाइम डिटेल मिस हो जाती है, लेकिन मैं अभी क्या करने लगा हूँ, इसको क्रॉप करने लगा हूँ। अच्छा, पॉइंट ये है कि आपको मैं बता सकूँ कि क्रॉप कैसे होता है। ठीक है, पॉइंट ये है, तो मैंने इस पर क्लिक किया आके, इधर यहाँ पे जो ये बटन बना हुआ था इस पर क्लिक किया मैंने, और क्लिक करते ही मेरे पास क्या आ गया, ये चार नॉब्स आ गई मेरे पास, तो मैंने इस नॉब को क्या किया, नीचे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको, सही है। मैं इस फोटो को कहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, बैनर के तौर पे लगाना चाह रहा हूँ, टॉप पे अपनी वेबसाइट के। अच्छा, और मैंने क्या किया उसके बाद, ये टिक का छोटा सा बटन है इसको दबाया, तो ये मेरी इमेज क्या हो गई, क्रॉप हो गई। तो मुझे इसी तरह की इमेज कुछ चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको क्रॉप कर लिया। ठीक है, टायर थोड़े मैंने माइनस कर दिए, लेकिन वो टायर मैंने एक्चुअल में माइनस करने थे शायद, जब भी मैंने उसको माइनस किया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सपोर्ट एज का बटन दबाऊँगा। अच्छा, एक्सपोर्ट एज में देखो डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं मेरे पास, इसमें से कौन सा फॉर्मेट मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, JPG। क्यों, इस वजह से JPG अप्रोप्रिएट है, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, और इतने ज़्यादा कलर्स जब होते हैं तो मेरे पास JPG अप्रोप्रिएट होता है। और इसकी विर्थ देखो, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें बता रही है, विर्थ और हाइट, और मुझे काइंड ऑफ ना साइड में ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस सेटिंग पे अगर इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो ये इस तरह का प्रीव्यू दिख रहा होगा। मुझे विर्थ इसकी क्या चाहिए, 1440, बट 1440 जब मैं विर्थ सेट करूंगा तो हाइट भी मुझे कम करनी पड़ेगी, और इसी रेशो में कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज इमेज स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 1440 यहाँ पे सेट करता हूँ, तो इसकी जो हाइट है ना वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कैसे कम हुई है ये हाइट, ये बीच में जो जंजीर लगी हुई है ना, ये इनेबल हुई हुई थी, इसको मैं हाथ से पकड़ के डिसेबल, ये देखो अभी डिसेबल हो गई है। ठीक है, असल में ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ये दोबारा इनेबल कर दिया मैंने इसको। इसको इनेबल करने से क्या होता है, जब मैं विड्थ को कम करता हूँ तो हाइट ऑटोमेटिकली साथ साथ कम होती है। ठीक है, और मुझे इस तरह से प्रीव्यू दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो सही है, इतनी शार्पनेस चलेगी मुझे। ठीक है, अभी प्रोजेक्टर पे तो शायद उतना सही तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मेरी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि हाँ यार, इतनी शार्पनेस मुझे चलेगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन नहीं दिया है वो वाला कि इसका PPI सेट करना, नहीं बताया हुआ इन्होंने कि PPI कैसे चेंज होगा। अच्छा, अगर मैं इंच में करूँ तो शायद मुझे PPI भी बताया।
अच्छा वेल, मेरे पास एक यहाँ पे और भी ऑप्शन है, एक नॉब है क्वालिटी की नॉब। लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि इस सेटिंग पे अगर मैं इस इमेज को सेव करता हूँ तो ये 145 KB की बनने वाली है इमेज। अगर मैं इसकी सेटिंग से जाके थोड़ी सी इसकी क्वालिटी और कम कर दूँ और इसको मैं 50% पे लेकर आ जाऊँ तो ये 145 KB से कम होके 100 KB पर आ गई है, ठीक है। लेकिन शार्पनेस रिमार्केबली कम हो गई है शार्पनेस, ठीक है, जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है इतनी कम शार्पनेस। तो मैं वापस इसको एटलीस्ट 60 तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ से हट गया, अच्छा 60 पे भी मज़ा नहीं आ रहा। हाँ अभी 70 के ऊपर इसकी शार्पनेस है ना वो गुड इनफ है। अच्छा मे बी अगर मुझे और मज़ीद बेटर क्वालिटी चाहिए तो मैं इसको फुल करता हूँ अगर, तो ये 149 KB से बढ़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, 1.3 MB हो गया ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो क्वालिटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली कुछ रेजोल्यूशन से ही रिलेटेड चीज़ है, लेकिन इन्होंने ले मैन के हिसाब से ना वो नहीं सेट किया हुआ। तो वेल मैं इसको वापस 70% पे लाता हूँ, मैं बल्कि दोनों पे करता हूँ, एक एक्सपोर्ट में 70% पे मारता हूँ और एक एक्सपोर्ट में मारता हूँ 100% पे, और मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये PPI को चेंज कर रहा है या क्या कर रहा है। तो एक मैंने 70% पे इसको सेव किया तो ये डाउनलोड हो गई इमेज, और इसका नाम इसने क्या रखा है, अनस्प्लैश। अच्छा ये वाली है ना, वन इसके साथ लगा दिया इसने। अच्छा तो रेजोल्यूशन इसका अभी भी 72 ही है, सही है, रेजोल्यूशन अभी भी इसका 72 है, बट इसका साइज़ जो है वो रिमार्केबली भी रिड्यूस हो गया है, 153 KB हो चुका है, जबकि ओरिजिनल इमेज का साइज़ क्या था, 3.8 MB था इसका साइज़, ठीक है। और ये क्रॉप करने की वजह से भी कुछ साइज़ में कमी आई है, लेकिन क्वालिटी भी मैंने कम कर दी है। अगर मैं इसको एज इट इज़ भी अगर क्रॉप उसको करता, अच्छा वेल मैं एक और एक्सपोर्ट मारता हूँ क्वालिटी को 100% करके ना, फिर ज़रा देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। मैंने कहा विड्थ इतनी है और क्वालिटी 100% करके अगर एक्सपोर्ट करो, ठीक है, क्वालिटी 100% करने से 1.3 MB साइज बनता है इसका, और शायद क्वालिटी में कुछ खास इतना फ़र्क नहीं आया है, शार्पनेस वगैरह ऑलमोस्ट इतनी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा अगर मैं बगैर क्रॉप किए अगर इसको एक्सपोर्ट करता, बगैर क्रॉप किए अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा होता, ये क्रॉप को मैंने क्या कर दिया है, कंट्रोल जेड करके मैं पीछे आ गया हूँ। बगैर क्रॉप किए अगर मैं करता एक्सपोर्ट एज जेपैग, ठीक है, और मैं विड्थ इसकी मैं कहता 1440 करो, सही है, विड्थ इसकी मैंने कम कर दी है और हाइट अकॉर्डिंगली उसके कम हो गई है, और मैं इसको कहता हूँ कि भाई 70%। तो अब ज़रा देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। अभी भी इसका साइज़ 400 KB पर आ गया है, ओरिजिनल साइज़ इसका 3.8 MB था और ये 420 KB पर आ गया है, ठीक है, तो रिमार्केबली कम हुआ है इसका जो साइज़ है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे होती है, अच्छा एक और हमारे पास चीज़ होती है जो स्पेशल वेब के लिए फॉर्मेट है, वेब पी, सही है। अच्छा वेब पी का बुक में तो जिक्र नहीं है, लेकिन आप इसको वैसे पढ़ सकते हैं अलग से। तो मैं अगर इस वेब पी जो है ना वेब के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक फॉर्मेट है, तो इसमें अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ सेम साइज़ 1440 और बग़ैर क्रॉप के, तो मुझे 250 KB जो है ना क्या कहते हैं इसका साइज़ मिल रहा होता है, ठीक है। ये वेब पी में अभी मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो आप देखें जेपैग में जो चीज़ मेरे पास 420 KB में एक्सपोर्ट हो रही थी, सेम सेटिंग 420 KB में एक्सपोर्ट हो रही थी, वो वेब पी में मेरे पास 256 KB में
एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो वेब पी एक और फॉर्मेट है जो कि वेब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको अक्सर जो वेब में फ़ोटोज़ मिलेंगी ना, वो वेब पी फॉर्मेट में आजकल नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, वेब पी जो है वो भी बिट मैप है, काइंड ऑफ वो जेपीजी है इन रियलिटी, लेकिन शायद थोड़ा सा कॉम्प्रेस है, लेकिन मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं है वेब पी के बारे में कि वेब पी क्या चीज़ है, ये आप अलग से खुद से पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, वापस इसको क्रॉप करना पड़ेगा ना मुझे। क्रॉप कैसे किया था मैंने, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक है, ये क्रॉप वाले फॉर्मेट में करके और इसको वेब पी एक्सपोर्ट करने लगा हूँ मैं। फोर्टीन फोर्टी 70%। ठीक है, ये और कम आया है, 89 आया है, इससे पहले शायद 100 समथिंग आया था। तो कहाँ, मेरे पास एक फ़ोटो 4 MB की थी ऑलमोस्ट, उसको मैं 89 KB पे लेकर आ गया हूँ। तो 89 KB जो है वो गुड इनफ है मेरे लिए, और इमेज सही शार्प है यार, मतलब थोड़ा अगर इसको मैं जूम इन भी कर रहा हूँ तो भी शार्प है, ये शार्प इनफ। अच्छा, अब इसको मुझे लेकर कहाँ जाना है, अपने फोल्डर में लेकर चला जाता हूँ मैं। ये है मेरा फोल्डर, यहाँ पे ले जाके मैंने रख दिया, और मैंने इसको बोला कि बैनर डॉट जे पी जी, बैनर डॉट वेब पी, सही है। तो ये मेरा बैनर बन चुका है। अच्छा, अब मैं आऊँगा और अब मैं आके क्या करूँगा, यहाँ पे एक IMG का टैग लगाऊँगा मैं, और मैं बोलूँगा बैनर डॉट वेब पी, ठीक है। सही है, बैनर विद स्कूटर फोटो मैंने कह दिया। और अब मैं इसको चला कर देखता हूँ, अगर तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हुई है, ठीक है, कुछ इस तरह से ही ओपन हुई है मेरे पास वेबसाइट। अच्छा, अब मेरे पास जो ये बैनर चाहिए था ना मुझे, वो इतना ही चाहिए था, बट हेडिंग मुझे इधर चाहिए थी, यहाँ पर इस जगह पर मुझे हेडिंग चाहिए थी। अच्छा, उसके अलावा आप नोट करें कि ये जो पिक्चर लगी हुई है और मेरा जो एक्चुअल बॉडी है, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस है, ये जो स्पेस है, दिस इज़ अ मार्जिन, सही है। इसको मैं कैसे ख़त्म करूँगा, ये भी स्टाइल से रिलेटेड चीज़ है। अच्छा, और मुझे जो मेरा हेडिंग है वो मुझे इस जगह पे चाहिए, वो भी स्टाइल से रिलेटेड चीज़ है, तो वो भी हम अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे होंगे यहाँ पर हम जो। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा, अब मैं इसको अगर ज़ूम आउट करता हूँ तो ये क्या होता है, इमेज साथ साथ छोटी होती है, और अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो इमेज साथ साथ बड़ी होती है। अब जूम आउट का तो हल ये है कि हम सेंटर पे कर देते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी को हम सेंटर में कर देते हैं। तो जैसे फेसबुक है, जब फेसबुक को हम जूम आउट करते हैं तो वो दोनों साइड से इक्वली स्पेस छोड़ रहा होता है ना, बजाय सेंटर में आने के, ठीक है, यही फिनोमेना सेम है यहाँ पर भी, दोनों साइड से स्पेस छोड़ रहा होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको कंट्रोल ज़ीरो करें तो ये ज़ीरो लेवल पर आ जाता है, ज़ीरो जूम लेवल जो है हमारा। अच्छा, हमारे पास अभी क्या हो रहा है कि अगर हम जूम आउट करते हैं तो बॉडी एक तरफ जा रही है, अलाइन हुई भी है लेफ्ट साइड पे, तो ये भी CSS से मुतालिक चीज़ है कि हम इसको सेंटर में कर देंगे, ठीक है, कि जब हमारी ओवरऑल बॉडी पूरी, जब उसको जूम आउट किया जाएगा, जूम आउट करने का मतलब है कि जिस स्क्रीन के लिए मैं बना रहा हूँ इससे बड़ी स्क्रीन पर जब इसको खोला जाएगा, काइंड ऑफ ये मतलब है, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं डिवाइसेस पे जाऊं, तो डिवाइसेस पे आप देखें, जब ये 1440 पे खुला हुआ है ना, तब तो ये सही है, एज टू एज है, लेकिन अगर इससे बड़ी स्क्रीन पे अगर खोल देता हूं मैं, ये 4K स्क्रीन है, तो ये क्या हुआ है, ये काइंड ऑफ जूम आउट करने से जो इफेक्ट आ रहा था, ये सेम इफेक्ट है, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूँ ना कि जूम आउट करने से ये हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जिस स्क्रीन को मैं टारगेट कर रहा हूँ उससे भी बड़ी स्क्रीन पे अगर इसको खोल दिया जाए तो क्या होगा, उसकी बात हो रही है। और अगर मैं इससे छोटी स्क्रीन पे खोलता हूँ, लैपटॉप लार्ज पे, ठीक है, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे कोई स्क्रॉल नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, क्या है, नहीं तो इसमें तो स्क्रॉल आ जाना चाहिए ना, अगर मैं और छोटी स्क्रीन में खोल दूँ, अब ये कैसे हुआ है, नहीं हमने इसमें विर्थ क्या दिए वो देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है शायद हमने, अच्छा हमने विर्थ नहीं दिए,
ठीक है, हमने विड्थ नहीं दी है इसलिए वो क्या कर रहा है, उस इमेज को ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से छोटा कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें विड्थ दे दूँ, विड्थ अगर मैं इसमें दे दूँ 100%, तो क्या होगा, तो भी ये सही रहेगा, लेकिन अब ये बड़ी स्क्रीन पे भी क्या करेगा। अच्छा ये 100% विड्थ देने से ना थोड़ी सी मेरी इमेज छोटी हुई है, वो इसलिए हुई है कि मेरे पास जो नीचे दूसरी इमेज है ना उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो मुझे एक्चुअल में अगर कोई भी एक चीज़ मेरे बॉडी से बाहर जा रही होती है तो मेरी बॉडी को वो ख़राब कर रही होती है एक्चुअली। ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है वहाँ पे। वेल अगर मैं देखो इससे बड़ी साइज़ पर आता हूँ तो अब ये 100% है और मेरी बॉडी के साथ साथ ये छोटा होगा, लेकिन बॉडी के साथ साथ छोटा होता है ये नीचे वाली इमेज देखो जैसे ही आती है ना तो ये क्या करता है, फिर ये फिर वो पूरी बॉडी को ख़राब कर रहा होता है मेरे। सही है, तो मुझे जो भी करना होता है वो सबके साथ करना होता है। अच्छा अब मैं इसको जितना भी बड़ा करूँ, 1440 पे खोलूँ मैं या उससे भी बड़ी स्क्रीन पे खोल दूँ, ये 100% पे ही रहेगा। ठीक है, 100% पे ही ये रहेगा। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या विड्थ लगानी है या उसको ऑटो पे छोड़ना है। ठीक है, अच्छा एक मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का भी मेरे पास ऑप्शन होता है, वो सब लोगों को पता है कि क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर विड्थ नहीं लगाता हूँ, तो क्या होता है कि ये छोटी स्क्रीन पे जैसे जैसे जाता है ना बिल्कुल छोटी स्क्रीन पे, तो ये मेरे इसको बिल्कुल छोटा करके दिखा रहा होता है। बट एक पॉइंट में मैं चाहता हूँ कि मिनिमम इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो, तो मैं कहता हूँ मिनिमम विड्थ इतनी। ठीक है, या मैक्सिमम मैक्सिमम पे जाते जाते एक पॉइंट पे आता है ये, और ये इसको साथ साथ अगर बड़ा करता चला जाता है तो एक पॉइंट पे आके मैं कहता हूँ कि नहीं यार इससे ज़्यादा बड़ा मेरी इमेज को नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी अगर स्क्रीन होती है तो मेरी इमेज सेंटर पे रहे और उतने पे रुक जाए आगे, तो मैं उसमें मैक्सिमम विड्थ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये हमने इमेज करके देखी है, एक दो और इमेज उठाते हैं यहाँ से और उसका स्क्रीन के मुताबिक करके देखते हैं साइज़ हमारा ना। वर्टिकली तो थी ये इमेज, सॉरी नहीं, अगर वो वर्टिकल ही रहती तब बात कर रहे हो। अच्छा असल में तो ये जो बैनर लगता है ना ये होता है एक तो बैकग्राउंड होता है, तो ये CSS से बैकग्राउंड के तौर पे लगता है, IMG के टैग में नहीं लगता, वो अभी इंशाल्लाह हम CSS पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा सारा। फिर दूसरा ये कि इमेज का साइज़ एक्स और वाई में क्या है ये मैटर नहीं करता ना, जो हम अभी चीज़ कर रहे थे इसमें एक्स और वाई में इमेज का साइज़ क्या है ये मैटर नहीं करता, वो जो टेक्निक मैंने लगाई है उस पर इवनली अप्लाई होगी भाई। ये समझ आई ना बात मैंने क्या की है भाई। देखो इस इमेज का जो विड्थ है, यही मैटर कर रही है ना, हाइट इसकी क्या है वो तो मैटर ही नहीं कर रही इस केस में, क्योंकि हाइट तो स्क्रॉलेबल है ना स्क्रीन, तो हाइट नो मैटर वॉट, अगर ये थोड़ी और लंबी होती इमेज तो भी इस पर ये रूल इसी तरह अप्लाई हो रहे होते हैं। समझ आई ये बात? हाँ बोलो। हाँ क्या मतलब, क्या बात कर रहे हो, नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। नहीं फोटोज ऐप में खुले ना खुले वो एक अलग चीज़ है, वो असल में हर फोटो ऐप को ना पता नहीं है अभी, क्योंकि नया फॉर्मेट है ना तो हर फोटो ऐप इसको खोल नहीं पाएगा। सही कह रहे हो, ठीक है, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि इस वक्त वेब में बहुत सारी जगहों पे आपको ये फॉर्मेट मिलता है, तो जैसे आपका ये वेबसाइट क्रोम में खुली हुई है ना इस वक्त, मैं किसी और ब्राउज़र में भी खोलूँगा तो ये चलेगी, मैंने सफारी में ओपन किया इसको, अगर खुल जा सैमसंग और सफारी में इसको मैंने पेस्ट किया तो इस पर भी खुलेगी, इवनली ओपन हो रही है साइट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये वही फ़ोटो है वेब पी वाली। तो तुम्हारा कंसर्न अगर ये है कि होस्ट होने के बाद नज़र नहीं आएगी, तो होस्ट होने से पहले दिख रही है तो होस्ट होने के बाद भी दिखेगी, है ना। किसी और का कोई सवाल इससे मुताल्लिक? एक फ़ोटो हम और निकालने वाले थे ना यहाँ से, तो कौन सी फ़ोटो निकाल ली जाए यहाँ से, मैंने कहा नेचर का एक लैंडस्केप उठाओ भाई।
हाँ समझा नहीं तुम्हारी बात। हाँ यार DPI का वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा असल में। अनस्प्लैश ना देखो, एक तो स्टॉक फ़ोटो है ना अनस्प्लैश, तो वो आमतौर पे वेब पे ही इस्तेमाल होने के लिए बनी हुई है फ़ोटोज़, तो मेरा ख्याल है इस वजह से इसकी जितना भी DPI है ना वो सारा इसी पे ही आ रहा है, 72 पे ही आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये इमेज मैं अगर ओपन करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड करके इसका PPI चेक करता हूँ, तो इसका PPI जो है ना 72 ही आ रहा था। ये 10 MB की इमेज है और इसका ये PPI शो नहीं कर रहा। अच्छा इसका PPI भी 72 है यार रेजोल्यूशन, ये देखो रेजोल्यूशन 72, इसका भी 72 है। अच्छा फोटोशॉप में तो हमारे पास ना PPI बकायदा चेंज करने का ऑप्शन आ रहा होता है, अब फोटोपिया में भी आना तो चाहिए, लेकिन मैं काम करता हूँ इमेज एडजस्टमेंट्स में जाके ज़रा चेक करता हूँ कि कैनवस को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। इस फोटो को लाता हूँ ना, उस वाली को लेकर आता हूँ। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब क्लोज कैसे होगा, क्या बनाते हैं? हाँ इसमें जब न्यू हम वो बनाते हैं ना तो उसमें पूछता है कि PPI क्या होना चाहिए। हाँ ये ना DPI लिखा हुआ है इसके अंदर, पिक्सल पर इंच। नहीं यहाँ पे साइज देके नहीं, उसमें भी आएगा वो। अभी मैं, मुझे अभी याद आ गया वो कैसे चेंज होता है तुम्हारी बात से ना, मुझे भी याद आ गया, थैंक यू तुमने ये मुझे याद दिया। अभी मैं DPI चेंज करना बताता हूँ इसका कैसे होगा। ये इस इमेज को उठाया मैंने और उठा के इमेज को इधर ला के मैंने ड्रॉप कर दिया। फोटोपिया के अलावा देखो जितने भी फ़ोटो प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर है ना उसमें ये काम हो सकता है। सही है, फ़ोटो प्रोसेसिंग का मतलब है कि फ़ोटोशॉप जैसे, ये वेबसाइट हैंग इसलिए चल रही है क्योंकि आपके आपके ब्राउज़र कंप्यूटिंग पावर ना ये अपनी यूज़ नहीं कर रही है, आपके ब्राउज़र की कंप्यूटिंग पावर यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो आपका कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि आप, अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो ये हैंग नहीं करेगा, ठीक है? और अगर आपका पावर सेविंग मोड ऑन है तो भी ये हैंग चलेगा थोड़ा। पावर सेविंग अगर ऑन है ना, जैसे मेरे पास इस वक्त पावर सेविंग ऑन है, ठीक है, बैटरी सोर्स लो पावर मोड ऑन। वेल मेरा पॉइंट ये है ये बताने का, मैं ये वाला सॉफ्टवेयर क्यों बता रहा हूँ, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बता रहा, उसका रीज़न ये है कि ये विंडोज़ पे, मैक पे, लिनक्स पे इवनली काम करती है। किसी भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर आप होंगे, खोलेंगे सीधा खुल जाएगी, सीधा काम करेगी। फोटोशॉप इंस्टॉल करनी पड़ती है, बहुत लंबा चक्कर है, तो मैं खुद पर्सनली भी इसी को यूज़ करता हूँ। अच्छा एक दो इमेज अगर क्रॉप करनी है हमें, छोटा मोटा कोई काम करना है, तो उसमें अगर थोड़ा हैंग भी हो तो सेट है। मतलब ऑन अदर एंड अगर मैं फोटोशॉप को डाउनलोड करूँ, इंस्टॉल करूँ और उसको क्रैक व्रैक करने का एक लंबा प्रोसेस होता है, खरीदे को इतनी खैर क्रैक ही करोगे, सही है, तो जितना टाइम मेरा उसमें लगेगा ना, ये थोड़ा हैंग वैंग होके उतने में कर देती है। अच्छा अभी मुझे याद आ गया था इसका DPI कैसे चेंज होगा। आ जाओ भाई इमेज साइज, ये रहा मिल गया। वो एक तो एक्सपोर्ट करते हुए पूछता है ना, एक अंदर से इमेज साइज की भी जगह है। 39 MP की ये इमेज है, इमेज में गया मैं और इमेज साइज में गया। सही है, कैनवस साइज तो कुछ और है, इमेज साइज में जाता हूँ। सही है, इमेज साइज में जाके मैंने इसको क्या बोला कि आप जो अपना DPI है ना वो कर लो 40 कर लो आप अपना DPI। सही है, 40 करके मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि 40 करने के बाद वो जब डाउनलोड होगा ना तो फिर वो 40 बाकायदा हो चुका होगा। और मैंने ओके किया तो ये जब फौरन जो है ना ये इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। अब मैंने कहा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज JPG क्योंकि ज़्यादा कलर्स हैं, ठीक है। और मैंने इसको बोला भाई 1440। सही है भाई, 1440 कर दिया मैंने, 196 हो गया इसका साइज, और ओके कर दिया। अब की बार ये जो डाउनलोड हुई है इमेज ये वाली
200 KB, अरे यहाँ तो 200 नहीं था, यहाँ तो कुछ और बता रहा था, ये 200 बताया था यार, तो उसने 200 नहीं बताया था, 196। अच्छा 196 को मेरा कंप्यूटर राउंड ऑफ करके दिखा रहा है शायद, इसलिए 200 दिखा रहा है, नहीं 201 दिखा रहा है, उसके बताए गए साइज से कुछ 2-4 KB ऊपर सेव हुआ है। अच्छा तो इसका अगर रेजोल्यूशन आप नोट करें ना तो 40 हो चुका है, लेकिन जो 40 रेजोल्यूशन वाली इमेज है अगर उसको मैं खोलूँ, अगर ओपन करूँ, तो ये थोड़ा सा कुछ कार्टूनिक शायद होने लग गया है, थोड़ा सा कुछ कार्टूनिक सा हो गया, ये फॉरन पिक्सेलेट हो रहा है ये, अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो ये एक्चुअली ना फॉरन पिक्सेलेट होना शुरू हो गया और कुछ कार्टूनिक सा व्यू आ गया इसके अंदर, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करके ना इमेज का साइज वापस 72 PPI कर देता हूँ, और अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ एज JPG। खुल जा सिम, स्लो चल रहा है, सही कह रहे हो, ये सॉफ्ट इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि ये प्रोसेसर मेरा यूज़ कर रहा है, ये देख रहे हो ये मेरा प्रोसेसर यहाँ पे, ये वाला प्रोसेसर है, ये GPU है, ये दोनों को यूज़ कर रहा है। यार ये इमेज है ही थोड़ी कार्टूनिक जैसी ना, दूसरी डाउनलोड करते हैं, ये इमेज वैसे ही ना थोड़ी कार्टूनिक सी इमेज है, कोई दूसरी डाउनलोड करते हैं जिसमें अच्छा लैंडस्केप हो। ये वाली करते हैं क्योंकि इसमें ना शार्प ऑब्जेक्ट्स भी काफी सारे हैं, ठीक है भाई। पैनासोनिक DC9 से खींची ये फोटो, ये एक दूसरी इमेज डाउनलोड कर ली हमने। अच्छा इस इमेज को लाते हैं इधर फोटोपिया में। अच्छा इसका इमेज साइज चेक करने लगा हूँ मैं, इमेज साइज में गया, ये 72 है पूरा, ठीक है, तो जस्ट 72 ही छोड़ दिया मैंने इसको, और एक्सपोर्ट में गया, एक्सपोर्ट में जाके JPG सेलेक्ट किया, ठीक है, JPG जैसे ही सेलेक्ट किया मेरा प्रोसेसर देख रहे हो ऊपर चला गया, ये भी कुछ कर रहा है अंदर, ठीक है, खुला, और खोल के मैंने इसको कहा कि भाई 1440 और ओके हो जाओ, तो 9 MB से ये इमेज डायरेक्ट कितने की हो गई, 700 KB की हो गई है, और मैंने कहा सेव, ठीक है, और इसको ओपन किया सेव करने के बाद, तो ठीक है, मतलब नॉट बैड, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया आज का कि ऑप्टिमाइजिंग इमेज फॉर वेब। अच्छा अब इसी चीज़ को अगर मैं किस पे करूँ, अभी ये अभी तो मैंने इसको JPG में किया है ना, तो ये 700 KB बना है। अभी सेम चीज़ को मैं वेब पी पे भी करके देख लेता हूँ कि वेब पी में क्या बनता है, थोड़ा सा कम बनेगा इससे, ठीक है, क्योंकि ये वेब के लिए ऑप्टिमाइज्ड ये है, ठीक है, 1440 साइज है, 70% है, और चलो भाई आ जाओ, 300 KB बना है, क्वालिटी नहीं, पहले भी 70 थी क्वालिटी, इसमें 700 है, इसमें 344 है, जब मैं इसका एक्सपोर्ट खोलता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आता ही 70 पे ही है। अच्छा 93 था ये, सही कहा तुमने, अभी मैंने 70 कर दिया, हाँ तो 350 ही बन गया इसमें भी, सही। तो वेल
असल में हर फॉर्मेट के लिए ना एक अप्रोप्रिएट फोटो होती है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और वो बुक में भी जिक्र है कि अगर पीएनजी में सेव करना है किसी इमेज को तो वो कैसी होगी, तो पीएनजी में छोटा साइज बनेगा। अगर मैं इस इमेज को अभी देखो पीएनजी में करूँगा ना इस इमेज को मैं, तो ये इतना बड़ा साइज बनेगा कि आप परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया एक्सपोर्ट एज, और मैं अगर पीएनजी सेलेक्ट कर लूँ तो ये बहुत बड़ा साइज बनेगा 3 पॉइंट। अगर मैं उसको क्वालिटी को कम भी कर दूँ तो भी उतने पे ही है, 1.3 MB, लेकिन जेपीजी से बहुत ज़्यादा है, जेपीजी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फ़ोटो अप्रोप्रिएट नहीं है पीएनजी के हिसाब से। तो वेब पी को अलग से स्टडी कर लीजिएगा, मैंने भी नहीं किया, कि वेब पी के लिए कौन सी इमेज होगी तो वेब पी में बेस्ट रहेगी, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। वेल आपके पास जो बेसिक फॉर्मेट्स हैं वो तो आपको पता चल गए, वो जो कि पीएनजी, जेपीजी और जिफ, ये तीन को तो आपने डिटेल में पढ़ लिया था।